जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक वो रिड्यूस हो गया है। आपने कुछ पिछले वीडियोस देखे होंगे मेरे, उसमें मैंने मैथ जैसे कि साइंसेस ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के लिए जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी सुगम भारती, इसमें कौन सा पाठ है या फिर कविताएं हैं जो रिड्यूस कर दी है। तो गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है। क्या मेहनत लगती है देखिए, एक तो पहले तो बुक्स अरेंज करना पड़ता है, लॉकडाउन चल रहा है और उसी के कारण बुक्स अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बुक्स अरेंज भी हो जाए तो फिर बुक्स अरेंज करने के बाद में उसको मार्क करना है, फिर वीडियो बनाना है, तो इस तरह से वीडियो का काम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं है कि हमें डायरेक्टली सब मिल जाता है। तो गाइस, हमारी यही आशा है जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो वीडियो है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले सिलेबस रिड्यूस हो गया और हमें ये लगता है, हमें ये आशा है आपसे कि आप इस वीडियो को देख के ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कक्षा 8वीं के लिए कितना सिलेबस रिड्यूस हो गया है। और हम आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देख रहे हैं हिंदी सुगम भारती। तो चलिए जाते हैं डायरेक्टली अनुक्रमणिका में। तो स्टूडेंट देखिए, आपको क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी का जो बुक है आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से आपको जो अनुक्रमणिका का जो पेज है वो आपको ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि इसमें दो इकाई है, पहली इकाई एंड दूसरी इकाई, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहली इकाई में से कौन सा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है और दूसरी इकाई में से हम वन बाय वन देखने वाले हैं, तो ठीक है, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुक्रमणिका में पहली इकाई में से क्या क्या रिड्यूस हो गया है। तो देखिए, पहली इकाई में है 1 से लेके 8 तक, उसमें कविताएँ भी है और पाठ भी है, तो इसमें से हम देखने वाला है कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट हृदय का उजाला, सेकेंड उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये भी है गाना बजाना, ये भी है श्रद्धा और प्रयास, ये भी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ जो है, फिफ्थ क्या है, सुनो और गुनो, ठीक है, फिफ्थ। तो जिस तरह से मैंने इसे राउंड किया है उस तरह से आपको राउंड करके क्रॉस करना है। तो पहली इकाई में से ये कम हो गया है, जो सिक्स्थ है वो कम नहीं हुआ है और प्रेमचंद जी चले गए, ठीक है, लेकिन जो सेवेंथ है हिंग वाला तो ये कम हो गया है, तो फिफ्थ और जो सेवेंथ है वो कम हो गया है, लेकिन जो एट्थ है कदम मिलाकर चलना होगा ये कम नहीं होगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहली इकाई में से क्या क्या कम हुआ है, फिफ्थ और सेवेंथ ये दोनों भी कम हो गए हैं, इसे इस तरह से आपको राउंड करके क्रॉस करना है। चलिए जाते हैं अब दूसरी इकाई में, देखिए उसके नीचे ही एग्जैक्टली उसके नीचे ही दूसरी इकाई है, ठीक है। अभी दूसरी इकाई में से क्या है, 1 से लेके और 8 तक है, 8 तक है, तो देखिए दूसरी इकाई में यहाँ पे है पंपासर फर्स्ट, इसे आपको राउंड करना है और क्रॉस करना है। इसका मीनिंग ये है कि ये कम हो गया है। दूसरा है परोपकार, ये कम नहीं हुआ है, लेकिन जो थर्ड है आत्मनिर्भरता ये भी कम हो गया है। तो इस तरह से दूसरी इकाई में से 1 और 3 ये कम हो गए हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7 और 8 ये कम नहीं हुए। देखिए अच्छे तरह से देख लीजिए दूसरी इकाई में से क्या कम हुआ है, 1 और 3 ये दोनों भी कम हो गए हैं। फिर से एक बार देखिए पहली इकाई में क्या कम हुआ है, फिफ्थ और सेवेंथ कम हुआ है, और दूसरी इकाई में से कम हुआ है, दूसरी इकाई में से कम हुआ है 1 और 3। तो ये जो टोटल सिलेबस कितना रिड्यूस हो गया है, तो ये 4 रिड्यूस हो गए हैं पहली इकाई और दूसरी इकाई में से। तो आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। थैंक यू गाइस।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। एंड फॉर नेक्स्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।